चैप्टर 5 डिजिटल पेमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म के अंदर हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने जा रहे हैं जो RSCIT के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है? तो अगर हम प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को अगर खोलना चाहते हैं तो हमारा मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 0। आप 0 बैलेंस पे भी खाता ओपन कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? वो है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड टू यूज एंड अकाउंट सिक्योरिटी। तो हमने बात की थी ऑनलाइन बैंकिंग के बेनिफिट्स के बारे में, तो हम बात करते हैं वन बाय वन ऑप्शंस के बारे में। टाइम आप सेव करते हो, कॉस्ट भी आप बचाते हो और अकाउंट की सिक्योरिटी भी बढ़ाते हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है? वो है इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड टू यूज। तो ये हमारा ऑनलाइन बैंकिंग का बेनिफिट नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है? तो बात करते हैं हम ऑप्शंस के बारे में। बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड को जारी करना, यही एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता है। भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है कि मतलब आप एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट कर सकते हो। हाँ, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, कि पहले आप चीज़ें परचेज कर दो बाद में पेमेंट कर देंगे, ये भी एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन है, खरीदे और एक साथ भुगतान करें। तो क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट ये होता है कि पहले आप खरीद लें बाद में आप पेमेंट करें। तो हमारा ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि आप खरीदते ही पेमेंट करें, तो ये क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का क्या हुआ? वह हुआ डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, OTP का पूर्ण रूप क्या है, कि OTP की फुल फॉर्म क्या है? OTP की फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। यह आपके मोबाइल पर भेजा गया एक वन टाइम पासवर्ड होता है जो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए एज ए पासवर्ड के रूप में काम करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, महिला सदस्य को परिवार के प्रमुख के रूप में माना जाता है। भामाशाह योजना की पहल की गई थी महिला को सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए। तो इसके अंदर हम महिला सदस्य को परिवार के प्रमुख के रूप में मानते हैं। आधार कार्ड अनिवार्य है, भामाशाह योजना के तहत आधार कार्ड अनिवार्य होता ही है। हमारा थर्ड ऑप्शन है, यह सरकार द्वारा सभी नकद या गैर नकद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भी इसको बनाया गया था और कोई राशि नहीं, भामाशाह योजना के तहत आपको राशि भी प्रदान हो सकती है। तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो है हमारा डी, कि कोई राशि नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? कि UPI में आप जब पुश टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आप किस चीज़ के लिए यूज करते हो? वो आप पैसे भेजने के लिए पुश बटन को यूज करते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, SBI बड़ी से आप क्या समझते हो? SBI बड़ी क्या एक गेम है? क्या वो एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है? क्या वो एक बैंक अकाउंट है? या फिर हमें दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है? तो हम बात करते हैं SBI बड़ी के बारे में। SBI बड़ी एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने पैसों को फिजिकल वॉलेट के रूप में रख सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो हम मोबाइल वॉलेट वो वॉलेट होते हैं जिसको आप फिजिकल वॉलेट के रूप में यूज कर सकते हो। तो SBI बड़ी, भीम, ये दोनों मोबाइल वॉलेट है, जबकि एक कीप आपके किसी भी थॉट को स्टोर करने के लिए चीज बनाई गई है। ये गूगल कीप हो गया और जनरल कीप वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसमें आप अपने डेली रूटीन के कुछ थॉट्स को आप लिख सकते हो।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वो है कीप एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। RSCIT के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही घुमा के पूछे जाते हैं, जैसे रुपए डेबिट कार्ड से क्या आश्रय है, कि रुपए डेबिट कार्ड से क्या मतलब है। ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। घरेलू डेबिट कार्ड, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, सभी ATM और POS मशीन पर स्वीकृत या उपरोक्त सभी। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रुपए डेबिट कार्ड का मतलब क्या है। रुपए डेबिट कार्ड का जब बनाया गया था तो उसे बनाया गया था सभी ATM और POS मशीन पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर तो है सी। तो इसके अदर ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, जैसे घरेलू डेबिट कार्ड हुआ, NPCI द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, तो ये दोनों ऑप्शन भी आपको सिमिलर टाइप के मिल जाएंगे। पर डेबिट कार्ड का आश्रय डेबिट कार्ड से मतलब क्या है, एक रुपए डेबिट कार्ड से क्या मतलब है, वो है सभी ATM और POS मशीन पर स्वीकृत प्रदान होने वाला कार्ड क्या होता है, वो होता है रुपए डेबिट कार्ड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं। PMJDY का मतलब है प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए लाभ के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो कौन कौन से लाभ है, 1,00,000 तक की दुर्घटना बीमा कवर आपको PMJDY से मिल जाती है, 30,000 तक का जीवन बीमा कवर भी आपको PMJDY से मिल सकता है, और 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी PMJDY से प्रदान होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ये तीनों ही लाभ है जो हमें PMJDY से मिलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ उपरोक्त सभी लाभ है, तो करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक बड़ी से निम्न कार्य किए जा सकते हैं। तो स्टेट बैंक बड़ी मोबाइल एप्लीकेशन से आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो, हमारे पास में चार ऑप्शन है, पैसे भेजना, अपना विवरण देखना, अपने बिलों का भुगतान करना या उपरोक्त सभी। तो SBI बड़ी की मोबाइल एप्लीकेशन से आप क्या क्या काम कर सकते हो, आप पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हो, और कुछ बिल पेमेंट भी करने हो तो आप कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, वो हुआ डी, कि आप सब काम कर सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, *99# डायल करके हम क्या देख सकते हैं। आप बैलेंस भी पूछ सकते हो, मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हो, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ये एक USSD कोड होते हैं जिनके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, कि हम बैलेंस पूछ सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं और फंड को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गूगल तेज में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है। तो गूगल तेज में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया है, वो तेलुगु, गुजराती, हिंदी, सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग से क्या लाभ है। ऑनलाइन बैंकिंग से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, हम बात करते हैं, बहुत सुरक्षा होती है, समय की कम लागत होती है, किसी भी समय आप यूज कर सकते हो। तो ये तीनों ही ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है डी, ऊपर के सभी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई देंगे। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।